प्रदेश सरकार 3 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर जो है जश्न मना रही है, और वहीं विपक्ष जो है इसे काले दिन के तौर पर जो है वे मनाएगा। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए मौजूद हैं विक्रम सिंह ठाकुर, जो उद्योग व परिवहन मंत्री। तो सबसे पहले आपका समाचार प्रश्न। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, एक तरफ आपका जश्न और दूसरी तरफ विपक्ष का काला दिन। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर जश्न मनाएगी। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर तीसरे साल को खुशी के रूप में देख रही है। उसका कारण है कि श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने काम किया है। अगर हमने काम किया है तो उसका जश्न मनाएंगे, और विपक्ष उसका जश्न नहीं मना पाएगा, क्योंकि विपक्ष को जो हिमाचल प्रदेश का जो विकास हो रहा है वो उसको आगे हिमाचल प्रदेश जो बढ़ रहा है उसको अच्छा नहीं रास आ रहा है। आज श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पिछले 3 वर्षों के अंदर हम किसी भी बात का जिसका हिमाचल प्रदेश के साथ किसी प्रकार का नाता है उनको अगर हम उसका विश्लेषण करें, उसकी स्टडी करें, तो आप पाएंगे कि हम लोग चाहे वो सड़क की बात है, चाहे वो शिक्षा की बात है, चाहे वो हेल्थ की बात है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की बात है, चाहे इंडस्ट्री की बात है, हर जगह पर हम आगे बढ़े हैं। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है पिछले 3 वर्षों में। चाहे उसको आप ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के माध्यम से उस चीज़ का स्टडी करें, आप चाहे उसमें फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग की बात करें, और लगभग 50 से ज़्यादा अवार्ड इस सरकार को मिले हैं, वो जो इस बात को दर्शाता है कि हिमाचल प्रदेश में विकास बहुत हुआ है और श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है। सर, जिस तरह विकास की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि विकास जो है आयाम छू रहा है, उसी तरह कोरोना भी जो है आयाम छू रहा था, पूरे देश में नंबर वन पर ही हिमाचल था। इस मामले पर भी जो है सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला, सरकार के साथ उसकी जीत जो है भी देखने को मिली, क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ कोरोना के केस बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी वो कम भी हुए हैं। अगर आज कोरोना के केस बढ़े हैं और हम उसकी चर्चा करते हैं, तो उसके साथ साथ ये चर्चा भी करनी चाहिए कि जयराम ठाकुर की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के बच्चे जो बाहर थे उनको उनके घरों में पहुंचाया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कोरोना का ड्राइव सबसे अच्छे तरीके से चलाया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आम जनमानस की चिंता करते हुए कोरोना के कारण से मनरेगा में काम करने वाले व्यक्तियों के खातों में तीन महीनों के अंदर 2,000 रुपया दिया है। ये बातें भी कोरोना के साथ जुड़ी हुई हैं। कोरोना महामारी में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस बखूबी के साथ काम किया है, आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी को इस बारे में शाबाशी मिली है। मैं मानता हूँ एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण से आपके मरीज बढ़ भी सकते हैं। मरीजों का बढ़ना या कोरोना का बढ़ना आप किसी सरकार के विकास का आकलन नहीं कर सकते। ठीक है, विपक्ष के लिए बोलने के लिए ये चीज़ें काफ़ी हैं, लेकिन विपक्ष से यह भी पूछना चाहिए कि कोरोना काल में उन्होंने कौन सा एक ऐसा अच्छा काम किया है जिसकी चर्चा हम यहाँ कर पाए। फिर क्यों ऐसा है कि सोशल मीडिया में लोग जो हैं काफ़ी खिलाफत जो है सरकार की करते हुए नज़र आ रहे हैं? क्यों सरकार जो है एक विश्वास जिस तरह सरकार का रहता है जनता पे, वे विश्वास नहीं बना पा रही? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। आप बोल रहे हैं आप कहीं सोशल मीडिया पे कोई पर्टिकुलर वर्ग पर्टिकुलर लोग इस बात को चला रहे होंगे। आम आप जिस समय सोशल मीडिया में सारे सोशल मीडिया में जाइए ना, उसको देखिए जरा किस प्रकार से लोग कैसी कैसी बातें लिखते हैं, सरकार के बारे में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का काम है विरोध करना, तो वो विरोध कर रहे हैं। क्या मानते हैं सर, सरकार का सबसे बड़ी उपलब्धि ऐसी क्या है जो जनता के बीच लेकर जो है वे सरकार दे? सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि हर प्रकार के वर्ग की चिंता करना, बुजुर्ग की चिंता करना, महिलाओं की चिंता करना, मजदूर की चिंता करना, इन सारी बातों के बारे में सरकार सजग होकर पिछले 3 वर्षों में उसने काम किया है। सरकार ने कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके बारे में कभी उन्होंने इस वर्ग को किसी वर्ग को इग्नोर किया है। जिनकी सरकारें जो लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे, क्या उनके मन के अंदर ये विषय कभी नहीं आया कि मेरी बहन के घर के अंदर सिलेंडर नहीं है, चूल्हा नहीं है, वो दिया जाए? ये काम अगर किसी ने करके दिखाया है तो श्री जयराम ठाकुर की सरकार ने करके दिखाया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने पेंशन 80 साल से ऊपर वाले बुजुर्गों के लिए लगाई थी, जबकि वो बुजुर्ग ऊपर चला जाता है। हम लोगों ने उसकी व्यवहारिकता को पहचानते हुए 70 साल की उम्र की है, ये कि एक बहुत बड़ा काम है। इसी तरीके से मैंने बताया गरीब मजदूर मनरेगा में काम करने वाले लोगों की चिंता इस सरकार ने की है। हमने हर क्षेत्र के अंदर अच्छा काम किया। सर, जिस तरह इस समय यहाँ पर धर्मशाला में हम बात की जाए, तो धर्मशाला में जो है एक बड़ी इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया था, धरातल पर किस तरह मानते हैं? 60% के करीब फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग के काम जो है वो जमीन पर आए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कोरोना के कारण से हम थोड़े लेट हैं, लेकिन शीघ्र ही हमें उसका पूरे का पूरा रिजल्ट मिलेगा। कांगड़ा को भी कुछ शुरुआत इसमें आएगी?
कांगड़ा के लिए मैंने बताया दो इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किए हैं, दो इंडस्ट्रियल एरिया कांगड़ा के अंदर दिए हैं। अभी जो नए क्लस्टर्स आ रहे हैं उस क्लस्टर्स के बीच में भी आप जिला ऊना, मैं तो इसको अपना ही पार्ट मानता हूं, क्योंकि लोग केवल और केवल बद्दी बरोटी वाला के ऊपर तक ही सीमित थे, और यहां पे जो बल्क ट्रक पार्क आ रहा है कांगड़ा को उसका सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। और इसके अलावा और भी जिन क्लस्टर्स की बात हो रही है उन क्लस्टर्स में भी कांगड़ा की भागीदारी अच्छी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, सरकार के मंत्री जो हैं धर्मशाला में बैठने का स्थान भी दिया गया, लेकिन धर्मशाला में लोग जो हैं सिर्फ दरवाजे बंद देखकर जो है वापस उन्हें लौटना पड़ता है, ना समस्याएं सुनने के लिए पहुँचते हैं, तो ऐसे में क्या मानते हैं? ऐसा नहीं है भाई, पिछले दो महीने का मेरा भी खाता निकालिए, मैं आपका मंत्री हूँ, कांगड़ा जिला का रहने वाला हूँ, कितनी बार मैं आया हूँ, लोगों के बीच में कितनी बार बैठा हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल बातें हमने कितनी बार की हैं, मुझे लगता है आप के पूरा ध्यान नहीं रखते हमारा। सचिवालय की बात कर रहा हूँ। हाँ, सचिवालय में भी बैठना शुरू करूँगा, वो जो आप बोल रहे हैं वहाँ पर भी कमरा साफ करवा लिया मैंने, बैठेंगे वहाँ पर भी आप बात सुनेंगे। 3 साल लग गए साफ करवाने। कोई बात नहीं, लेट हो गए लेकिन आ गए हैं आपके। सर, परिवहन विभाग भी आपके पास है, परिवहन विभाग में अभी तक जो है कर्मचारी सैलरीज के लिए भी तरस रहे हैं, ऐसा क्यों और किस क्या मानते हैं? ये सैलरी का विषय अभी नहीं आया, पहले का विषय है। कॉरपोरेशन बड़े लंबे समय से घाटे में है, लेकिन सरकार उनकी मदद करती है, हमें ग्रांट इन एड मिलती है, और कोरोना के कारण से थोड़ी स्थिति और बिगड़ी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ हमने व्यापक कदम इसको ठीक करने के लिए लगाए हैं, निश्चित तौर से उसका फ़ायदा होगा। और जहां तक सैलरी की बात है, कर्मचारियों को सैलरी मिल रही है, कई बार देरी से मिलती है, उसको हम ठीक करने में लगे। तो ये थे हमारे साथ विक्रम ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि 3 साल की उपलब्धियां जो है उनको जनता के पास लेकर जाएंगे और सरकार ने जनता के लिए काम किया है। वहीं विपक्ष के हमलों पर भी उन्होंने साफ तौर पर जवाब कहा कि विपक्ष के पास कोई भी जवाब देने के लिए नहीं है, इस वजह से जो है सरकार की आलोचना करता हुआ विपक्ष दिखाई दे रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।